नमस्कार जोहार, मैं हूँ झारखंड प्लस के रिपोर्टर पलटू महतो और आप देखें झारखंड प्लस के डिजिटल मीडिया साइट पर। अभी हम सिल्ली के टुटकी मैदान में हैं और यहाँ पे टाइगर जयराम महतो अभी आने वाले हैं, तो उसी के स्वागत के लिए पूरे सड़कों पर जाम लगी हुई है और उसके एंट्री कैसी होती है ये सब नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर कुछ माताएँ बहनें हैं जो टाइगर जयराम की खास एंट्री के टाइम उसका स्वागत के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो चलिए उनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास तैयारी की गई है। जोहार, बात करनी है थोड़ी सी। अभी टाइगर जयराम महतो आने वाले हैं, तो इसकी खास तैयारी क्या की गई है? हम लोग तो तैयारी कर स्वागत के लिए तैयारी करके रखे हैं। अच्छा, तो टाइगर जयराम महतो को आप पहले कभी देखे हैं? इसका प्रोग्राम कभी आपने अटेंड किया है क्या? नहीं, अटेंड नहीं किया, पहली बार। मतलब उत्सुक काफी ज्यादा है क्योंकि एक झारखंड का बेटा आज अपने शहर अपने गांव में आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखने के बाद आपको कैसा फील होगा कि पूरे झारखंड को जगाने का काम कर रहा है? बहुत अच्छा लग। तो चलिए हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, और भी लोग हैं उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि टाइगर जयराम महतो यहाँ पे कुछ ही क्षण के बाद आने वाले हैं, उससे पहले हम लोगों की कुछ राय लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम सोनाहतू से आए हैं। सोनाहतू से, तो यहाँ पे आप किस लिए आए हैं? हम टाइगर जयराम का जो प्रोग्राम है ना, वो झारखंड को जगाता है, और सबको जगाने के बाद हम लोग झारखंड में लड़ते हैं, और इतने 22 साल झारखंड वो लोग हो गया लेकिन हम लोग का कुछ हुआ नहीं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारा हक और अधिकार मिले जी। और टाइगर जयराम महतो की जो एंट्री अभी होने वाली है, स्वागत के लिए क्या कुछ खास तैयारी की गई है? हाँ, स्वागत के लिए काफ़ी तैयारी किया गया है, महिला ग्रुप तैयार कर रहे हैं, हम लोग का जो गार्ड हम लोग अपने स्तर से दिए हैं। टाइगर जयराम महतो की वक्तव्य के दौरान ऐसी बातें होती है जो लोगों को एक भावुक कर देती है, तो क्या लगता है कि आज भी वैसा कुछ होने वाला है? हाँ, होने वाला है आज भी। तो चलिए, बहुत अच्छा। और भी हमारे साथ हैं खतियान संघर्ष समिति के सदस्य, आपका क्या नाम है? रंजीत महतो। कहाँ से हैं? हिजरा सनातू से हम हैं, और इस समिति के हम बुद्धिजीवी मन के सचिव हैं जी। और बुद्धिजीवी मन द्वारा यह निर्णय लिया गया, आज तक पूरे भारत में जो भी नेता जनता के लिए काम किया है, उन्होंने पैसा चाहे कुछ वस्त्र दे के आदमी लोग को लुभाया है, लेकिन एकमात्र झारखंड का बेटा है जो कॉलेज में इंजीनियरिंग में बीएड में नहीं पढ़ाता है, वे चीज पढ़ाते हैं और संविधान बांटते हैं। आज तक किसी भी कोई भी नेता हो, राजनेता हो, राष्ट्रीय नेता, संविधान नहीं बांटा है, और ये उस संविधान को जो कोई कोचिंग में पढ़ाता है लेकिन छूट जाता है, लेकिन जयराम महतो का आज शहीद का बेटा है, उनके माँ बाप को हम प्रणाम करते हैं। आज सिल्ली धरती में पहला बार आगमन हुआ है, और यहाँ हम लोग जो प्रयास किए हैं कमेटी करके, और हम एक नन्हे मुन्ने बच्चे को तो उसका तिलक देने के लिए तैयार किए हुए हैं कमेटी की ओर से। हम चाहते हैं कि आज का बच्चा कल वीडियो बने, सीओ बने, आईएएस बने। एक बात ऐसी भी होती है कि टाइगर जयराम महतो की तरह भी कुछ बेटा पैदा हो हमारे झारखंड में, ताकि झारखंड को जगाने का काम करे। जब जयराम महतो का आवाज संविधान का जो संविधान बांट रहे हैं माए बहनों के बीच, अगर उसका फॉलो करेगा, अनुकरण करेगा, उसका प्रेजेंटेशन सुन के, तो उससे चार गुना होगा। वो तो कहते हैं एक जयराम नहीं, घर घर में जयराम हो गया। आज मेरा 63 साल में मेरा जयराम का खून खोल रहा है। मैंने देखा है कि झारखंड में जब निर्मल महतो की हत्या हुई, उस रैली में हम 87 को गए थे, लेकिन आज तक 22 साल में हमारा जो बनना था वो नहीं बन पाया है। ऐसा नेता होना चाहिए जो झारखंड का सोना को सना यहाँ बचे, और उसी के लिए हम लोग आज एक महीना से लगे हुए हैं, और यहाँ पूरा प्रशासन भी माँ बहन से लेकर सब लोग हम मतलब पूरे दे रहा है, पूरा यहाँ के लोग पूरे उत्सुकता के साथ यहाँ पे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। और आप देखने के लिए पूरी सिल्ली विधानसभा से जितने भी क्षेत्र से आए हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी तक नहीं आए, जो लाइव सेशन को देख रहे हैं? मैं उन लोगों से यही कहूंगा कि आज शांति प्रिय बनाए रखें, और जयराम भैया जो हमारे आ रहे हैं उनका बात को सुने, और सुन के जो आदमी नहीं आए हैं उन आदमी को गांव तक पहुंचाइए, और आने वाला 2000 जब तक 1932 और नियोजन नीति नहीं बनता है 24 तक, तो 2000 आने वाला 24 में जो हम लोग का संविधान में लिखा हुआ है 5 साल, वो अधिकार का अपना अमूल्य वोट किसी को नहीं देना है। जो झारखंड का माँ माटी का बात करेगा उसी व्यक्ति को देना है। जय जय।
मतलब यहाँ पे लोगों की आक्रोश देख के आपको पता चल रहा है कि झारखंड की पहचान जो है वो मिलनी चाहिए। यहाँ पे हमारे बीच है जो माताएं बहने हैं, जो टाइगर जयराम की महतो की जो एंट्री होगी उस टाइम स्वागत के लिए आए हुए हैं, ग्रुप यहाँ पे आए हुए हैं, ग्रुप के साथ यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, तो उन लोगों से हम लोगों से बात कर ही लिए। यहाँ पे देखने को हमें ऐसा भी मिल रहा है कि टाइगर जयराम महतो को देखने के लिए, एक ऐसे बेटा को देखने के लिए एक बूढ़ी माँ भी आई है। क्या नाम है दादी आपका? नोनी देवी। मुनी देवी? नोनी देवी। और मुनी देवी किसको देखने आए हैं? हैं? किसको देखने आए हैं? आवेल से ओके। अच्छा ओके, देखिए आई है। मतलब टाइगर जयराम महतो क्रेज एक छोटे से बच्चे तो लेके बड़े बूढ़े बुजुर्ग औरत तक ही है। और भी हमारे बीच यहाँ पे हैं, सब कोई देख सकते हैं, ये ग्रुप है जो यहाँ पे टाइगर जयराम महतो की स्वागत के लिए खड़े हैं। मिलते हैं, देखते हैं और स्टेज शो भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे क्या कुछ आज इस सिल्ली के विधानसभा, सिल्ली से जाकर पूरे झारखंड को किस तरह से जगाने का काम कर रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे साथ झारखंड प्लस के साथ, देखते रहिए लाइव सेशन को। मिलते हैं।